नामना सचिन भाई जो हैं, सचिन भाई डोईपोड़े जी, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे आज एक सामाजिक कार्य के लिए हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें हमने काफ़ी सारे सामाजिक लोगों को बुलाया था। अकॉर्डिंग टू लॉज, जो लॉज चल रहे हैं अभी कोरोना के, उसको मद्देनज़र रखते हुए और सीमा के अंदर लेके हमने ये प्रोग्राम करा था, पर उसके बावजूद भी आज हमारा ये प्रोग्राम कल रात से कल दिन से रोकने की कोशिश करी जा रही है। चलाई है शिवाजी महाराज के पैर पे पैर रख के, जो महाराष्ट्र में ये जो घरानेशाही हुक्मशाही चल रही है, उसका जो राजकरण चल रहा है, उसको मैं समाज सेवी जो लोग हैं, जो डेडिकेशन थे, आज ये जो भाई हैं मेरे, आज ऐसे लोग आज इनको भी डर है हर चीज़ का, पर उसके बावजूद भी इन्होंने एक जो दुखी व्यथा औरत है, परेशान औरत है, वो आज उसने एक नई मुहिम चलाई है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, महाराष्ट्र राज्य में एक नया वेगले प्रकार की राजकरण शुरू करना चाहती है। कार्यकर्ता तुम आगे बढ़ो, करुणा धनंजय मुंडे तुम्हारा झंडा उठाने के लिए तैयार है। ऐसी मुहिम में यदि ऐसे अच्छे देवता टाइप के लोग जुड़ने को तैयार है तो क्या फर्क पड़ रहा है इन लोगों को। अरे आप साथ दो ना, 1-to-1 लड़ो। आज तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज तो एक सिर्फ समाज सेवी के लिए, महिलाओं के लिए, कोरोना के लिए हम कैसे लोगों की सेवा करें, इसकी मीटिंग थी। कल तो 1-to-1 फेस टू फेस सभाएं होने वाली है, तो आप कैसे भरोगे। एक औरत से भी लड़ने की ताकत नहीं आप में, उसको दबा रहे हो आप, तो अधिकार ही नहीं आपको सीटों पर बैठने का। मैडम आपने बोला कि आप देखिए, मैंने पार्टी खोली है, मैं यदि किसी पार्टी से मिली होती तो मैं अपना पक्ष नहीं निकालती, मैं किसी पार्टी में चली जाती। तो सहयोग तो ले लेती, कोलिशन किसी के साथ हाथ मिला लेती। नहीं, अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है कि मैं किसी के साथ हाथ मिलाऊंगी, मैं तो नई मुहिम चलानी है। मैं ये चाहती हूँ कि एक नई मुहिम चले जिसमें कार्यकर्ता का झंडा मैं उठूँ, मेरा वो सौभाग्य बनी, मैं सबकी मतलब बहन बनी। जैसे मैंने पूरे महाराष्ट्र में आज तारी रही है, लोग भूल उठाते हैं, आज 25 साल में मुझे किसी ने शब्द नहीं किया, पर आज कह रहा है पूरा महाराष्ट्र कह रहा है, क्योंकि मेरे लिए गौरव की बात है। आज एक औरत को जो इज्जत मिलना चाहिए वो मिलती है यदि, तो उसके लिए गौरव की बात है। पर ये बात बहुत बड़ी है कि मैं तो है मेरा ये प्रोग्राम रोकने की, रात को मुझे भाव का 1 बजे फोन आया कि इनको पुलिस ने पकड़ लिया है, इनकी गाड़ी उठा ली है, इनको होटल में हमने बुक करा था उसका पूरा उसके मालिक को उठा लिया। मतलब ये क्या चल रहा है, कोई हमको अधिकार नहीं है, ये प्रजातंत्र है, लोकशाही है, क्या है क्या? कौन डर कौन रहा है? मुझे नहीं मालूम कौन डर रहा है, किसने करवाया ये। हो सकता है कि शायद मेरे पति ही डर रहे हों, क्योंकि और तो कोई है नहीं, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो किसी के विरुद्ध हूँ नहीं। और आज यहाँ पे भी मैं अपने सामाजिक कार्य, जैसे भाव इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबको मालूम है, ये लोग भी इतने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, मेरी पूरी टीम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं अपनी जो शिव शक्ति पक्ष है उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता जो नेता हमें झंडे उठा करके, उन लोगों को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ। तो आपके धनंजय मुंडे आपसे खतरा समझ रहे आपको आगे चलते पॉलिटिकल 100%? तो सभी को इस तरह का रोका टोकी ये सब चालू है, ये तो नहीं तो मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग तो तब भी आइए, भाव तो मुझे इतना हो गया, इतना प्रेशर आई, इतना मेंटली प्रेशर, इतना तब पुलिस वाले ने रात का बैठा के रखा, तब भी ये आज मैंने तो इनको रात को ही बोला था 3 बजे, भाव आप कहाँ पे हैं बताइए, मैं आती हूँ, कौन से पुलिस भेजे ना, हम गलत नहीं है तो हम पुलिस से डरेंगे किसी से डरेंगे। मैं जो घूम रही हूँ मैं सिर्फ घूम ही नहीं, जो मैंने पक्ष निकाल रही हूँ, मेरी जो मेरा शिव शक्ति पक्ष है उसकी मेरी 1-to-1 सत्य में मेरा दौरा चालू है। और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं हमारे महाराष्ट्र में, उन लोगों को मैं आगे लाना चाहती हूँ, तो मैं उनको 1-to-1 50-50 100-100 लोगों को लेके समझा रही हूँ कि आप लोग शिव शक्ति पक्ष में आइए। विधानसभा से चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन वो जो आपको यहाँ घूमने नहीं दे रहे वो तो उनका होम ग्राउंड है, तो वहाँ आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखेंगे ना, मैं तो किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ, होम ग्राउंड होने भी चाहिए, मुझे शादी होकर आई हूँ, तो ये लोकशाही है, लोकशाही तो यही है जो मैं डर हूँ, तो वक्त बताया था मेरे साथ नाम लेती है, तो फिर अभी सत्ताधारी है, एक स्ट्रांग नेता है, तो उसके साथ आप कैसे खेल सकते हैं पॉलिटिकली? पॉलिटिकली देखिए, मैं किसी के साथ खेलना नहीं चाहती, और मैं अपना काम कर रही हूँ। जैसे कि आज मेरे पे जो अत्याचार और जो अन्याय हुए हैं और जो हो रहे हैं अभी भी, तो मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज जब मैं 1 साल पहले मैं निकली भाग घर से 25 साल के बाद, तो मैंने ये देखा कि इतना ज़्यादा है, तो मैं अपने अकेले के लिए लड़ूँ थोड़ी लड़ना,
इतने बलात्कार, इतने अत्याचार, इतने खून, इतने पीड़ित महिलाओं से हो रहे हैं, तो आज मैं ये मानती हूँ कि उनके लिए भी लड़ूँ मैं, तो एक अलग मुहिम तो चलाऊँ कम से कम। लेकिन एक कहावत पॉलिटिक्स में, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त बना के आगे कारवा बढ़ना चाहे, तो आप कारवा नहीं बना सकती? कारवा बनाएंगे ना, देखते हैं आगे। पर मेरी जो रणनीति है, मेरे जो लॉज हैं, मेरे जो नियम हैं, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, मेरे जो पक्ष निकाला या करुणा धनंजय मुंडे के नाम पे कोई चुनाव लड़ता है तो उसके जो लॉज हैं वो बहुत अलग है। जैसे कि एफिडेविट करके देना पड़ेगा 5 साल, बीवी बच्चे किसी के नाम पे, वो जो खड़ा होगा कैंडिडेट चुन के आता है, नगर सेवक बनता या विधायक बनता या मंत्री बनता है, 5 साल तक वो 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा किसी के भी नाम पे। तो ऐसे बैठे बैठे कई सारे इश्यूज हैं मेरी पार्टी के, तो जो अच्छे लोग होंगे वो ही आएंगे। तो मेरे को अभी यदि कोई पक्ष ऐसा आता है फ्यूचर में मेरे साथ कि जो मेरी शर्तों पे चलने को तैयार होगा तो मैं जरूर बोलूँगी। क्योंकि मैं बार बार मीडिया पे यही बोल रही हूँ कि मैं लड़ूंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर मुझे यदि इस तरीके से परेशान किया जाए, अभी मैं लोगों को लड़वाने निकलूँगी, लोगों को, कार्यकर्ताओं को। ये एक समाज सेवी है, 10 साल से एक संगठन में बहुत अच्छा कार्य करूँगा, ये भी एक समाज सेवी है। और मेरे जितने जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी NGOs में बहुत अलग तरह के अच्छे अच्छे समाज सेवा कर रहे हैं, और उनको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो नेताओं के कार्यकर्ता हैं मैं उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। पर उसके बावजूद भी यदि मुझे ऐसे टॉर्चर किया गया या मुझे ऐसे उकसाया गया तो मैं खड़े रहने से नहीं चुकूंगी, खड़ी हो जाऊंगी चुनाव। धनंजय मुंडे के खिलाफ, अरे आज एक घर का व्यक्ति गलती सेवा नहीं कर सकता, पर जो आरोग्य सेवी है उनको ऐसे टिश्यू पेपर की तरह यूज करके इस कोरोना वायरस में फेंक दिया, उनकी नौकरी चली गई, आज वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर कोरोना आएगा, कोरोना आता है जाता है, कहाँ जाएंगे वो? आज उन लोगों की भी सेवा नहीं है। लेकिन ये समस्या आपको जब धनंजय मुंडे से जब इश्यू बन गया आपके, उसके बाद में इश्यू दिखने लगे, उसके पहले तो आप इसके बारे में कभी बात नहीं? लेकिन वो पत्नी के जैसा वेलकम नहीं होता आपका पति? वही बात है ना, तो वो पति मेरे खिलाफ है ना, मैं तो हमेशा अपना वेलकम करवाने ससुराल और सब जगह पहुंच रही हूँ, ये सब मेरे ससुराल वासी तो है ना, पर मैं तो अपना वेलकम करवाने पहुंच रही हूँ, पर पति का फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी आए तो